अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। यूं तो रमजान का पवित्र माह चल रहा है और लोग इबादत में भी लगे हैं, लेकिन मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के करम अली मोहल्ले में दो पक्षों में आज दिन भर विवाद की स्थिति रही। शाम होते होते फैसला करा दिया गया, लेकिन रात करीब 10 बजे वहां फायरिंग शुरू हो गई। इससे पहले वहां दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। गोली एक युवक के पांव में लगी है, उसे शहर के एकमात्र इमरजेंसी सुविधा दे रहे KMC हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद हाजी याकूब ने इस घटना की फर्स्ट बाइट को जानकारी दी। आइए देखते हैं। हाजी जी, जो गोली चली है, क्या पूरा मामला है? ठीक है, दो पक्षों में ये झगड़ा हुआ है और फैसला भी कराने वाले हम ही लोग थे। फैसला हो जाए, अच्छी बात नहीं है, रमजान का टाइम है, इस तरह की बात को नहीं होनी चाहिए आपस में। फैसला किया, लेकिन फैसला कराने के बाद फिर दोबारा इनमें झगड़ा हुआ। हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे और दूसरी पार्टी है, कामिल लोग कामिल है और लड़के कुछ और थे, उन्होंने फायरिंग करी सीधी उस पार्टी पर। हम अपने घर में बैठे हुए थे, भतीजा हमारा अब्बास वो अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ था घर के अंदर, सीधी गोली उसके पैर में लगी आगे। जबकि हमारा कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं। तो झगड़ा कब से चल रहा है? ये आज शाम से चल रहा है। तो इसमें तो कोतवाली फैसला भी हो गया था, सुना बता रहा है? फैसला हो गया था, बताया था, फैसला हो गया था। इसी वजह से कि रमज़ान का टाइम है, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए आपस में। फैसला करा दिया था, कराने के बाद फिर दोबारा इनमें झगड़ा शुरू हुआ और उसी में फिर फायरिंग हुई है। उस फायरिंग का नतीजा ये है कि हमारे भतीजे के गोली लगी पैर में और अब उसे हॉस्पिटल ले गए हैं।